subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. सीनियर बीजेपी लीडर दशरथ भगत और बीजेपी यूथ लीडर निशांत भगत ने मोबाइल आर्टिफिशियल पॉन्ड की निर्मिति की है, जो वाशी और सानपड़ा की हाउसिंग सोसाइटीज पर जाएंगी और श्रद्धालुओं से मूर्तियां लेंगी उनके विसर्जन के लिए। कोरोना पैंडेमिक के चलते सभी के लिए विसर्जन स्थलों पर जाना मुमकिन नहीं है, इसलिए ये मुहिम शुरू की जाएगी। ये सर्विस विसर्जन के दिनों में दिन भर कार्यरत रहेगी और विसर्जन सभी विधियों के तहत किया जाएगा। निशांत भगत ने इस अनोखी मुहिम की अधिक जानकारी दी। नई मुंबई शहर में आपने देखा रहेगा कि पिछले 4 महीनों से कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ती जा रहा है। ऐसे में कई बिल्डिंग्स कॉरपोरेशन ने, मेडिकल ऑफिसर ने यहाँ पे वो सोसाइटी सील कर दी है। वो सोसाइटी से अंदर कोई आ नहीं सकता, ना बाहर कोई जा सकता है। ऐसे में गणेश उत्सव मनाना है तो कैसे मनाना है? 1.5 दिन का मनाना है, 10 दिन का मनाना है, गणपति विसर्जन के लिए कहाँ पर जाना है, ये सब सवाल जब भी एक लोक प्रतिनिधि एज ए लोक प्रतिनिधि जब भी सवाल आ रहे थे, तभी एक सोच दिमाग में आई दशरथ भगत साहब के, कि लोगों को राहत देनी चाहिए, उनके घर तक हम लोग खुद कैसे पहुंच सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे मोबाइल आर्टिफिशियल पॉन्ड की निर्मिति की और उस माध्यम से हम उनके घर तक कैसे जा सकते, सोसाइटी के गेट के ऊपर कैसे जा सकते, ताकि गणपति विसर्जन का, श्री गणेश का विसर्जन ये उनके गेट के सामने हो। इसीलिए ये आर्टिफिशियल पॉन्ड जो मोबाइल आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया हुआ है, वो लोगों को घर से गेट से भी बाहर ना निकलना पड़े, इसीलिए ये आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया हुआ है। इसका पूरा प्लानिंग ऐसा है कि हर सेक्टर में, हमारे यहाँ पे 9 सेक्टर है टोटल, वार्ड नंबर 77 और 78 में टोटल 9 सेक्टर है। उसमें सेक्टर 1 और 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 19 ऐसे टोटल 9 सेक्टर है। हर सेक्टर में 1 घंटा ये मोबाइल पॉन्ड वहाँ पे रहेगा। हर सेक्टर को जानकारी दी है, उनके कोऑर्डिनेटर्स के नाम दिया, उनका नंबर्स दिया है। हर सेक्टर में से आज फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पे 5 या 10 मूर्ति हमारे सोसाइटी से आपके मोबाइल पॉन्ड में हमको विसर्जित करना है। तो हर सेक्टर को 1 घंटे का टाइम दिया है, सुबह 11 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ये हमारा मोबाइल पॉन्ड हर सेक्टर में घूमेगा, हर सेक्टर में 1 घंटा रुकेगा। तो ये खाली 1 दिन का ही नहीं है, तो जैसे 5 दिन का गणपति का विसर्जन होता है, 10 दिन का होता है, तो ये तीनों दिन, 1.5 दिन का गणपति हो या 5 दिन का हो या 10 दिन का हो, ये तीनों दिन का ये यहाँ पे मोबाइल पॉइंट हमारा 3 दिन काम करने वाला है। नवी मुंबई को देश में 3rd क्लीनेस्ट सिटी का रैंक और महाराष्ट्र में 1st स्थान मिलने पर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की और पालिका के सफाई कामगारों को इसका श्रेय दिया। आज मेरे को बहुत खुशी के साथ भी कहना पड़ रहा है और दुख के साथ भी कहना पड़ रहा है। एक तरफ है सफाई कामगार और एक तरफ है एमईसीबी के कामगार, जो लाइट का मीटर का रीडिंग लेने नहीं जा पाए, लेकिन मेरा सफाई कामगार जो कॉरपोरेशन में काम कर रहा है, वो हर दिन अपना शहर स्वच्छ रखने के लिए उन्होंने हर दिन वहाँ पे आके पूरी नवी मुंबई स्वच्छ रखने का उन्होंने प्रयास किया और उसी दम के ऊपर नवी मुंबई महानगर पालिका को देश के अंदर 3 नंबर का 3 नंबर और राज्य में हमारा 1 नंबर आया हुआ है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वो सब सफाई कामगार लोगों का, कि उन्होंने रात दिन मेहनत करके उनके वजह से ये हमें प्राइज मिला है। साथ ही साथ गणेश नाइक साहब ने जो इतने सालों से जो उन्होंने नेतृत्व किया है, उसी के उनके चलते ये स्वच्छ अभियान का ये पारितोषिक हमको मिला है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे सफाई कामगार अपनी जवाबदारी निभा रहे, साथ ही साथ आपने देखा रहेगा कॉरपोरेशन भी अपनी जवाबदारी निभाते हुए उन्होंने जो आर्टिफिशियल पॉन्ड हर नोड में बनाए, उसी के चलते मेरा भी कुछ कर्तव्य है, इसी के लिए हम लोग ने आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया और सफाई कामगार लोगों का आज सत्कार यहाँ पे किया। जहाँ NMMC ने आर्टिफिशियल पॉन्ड्स की निर्मिति कर श्रद्धालुओं को सहूलत दी है, वहीं इस मोबाइल आर्टिफिशियल पॉन्ड के प्रयास से सभी के लिए और आसानी हो जाएगी। आवाज टुडे के लिए शाहनवाज जड़ी, नवी मुंबई। सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।